नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। अभी कुछ दिन पहले आप सब जानते हैं दिल्ली में G20 का समिट हुआ था। उस समिट के दौरान भारत सरकार ने एक ई बुकलेट बनाया था, वो सारे जो डेलीगेट्स थे उनमें बांटा गया था फिजिकल कॉपी के तौर पे, और उसके बाद समिट खत्म हो जाने के बाद उसको इंटरनेट पे शेयर किया गया। एक भारत सरकार के वेबसाइट्स पे वो ई बुकलेट अवेलेबल है। उस बुकलेट में कई सारे हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के बारे में कई सारे क्लेम्स किए गए जो शायद ऐतिहासिक तौर पे सही नहीं है, जिनको इतिहासकार मणिमुग्धा शर्मा, जो पत्रकार भी हैं, आजकल कनाडा में PhD कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी आए हैं, तो उन्होंने इसका क्रिटिक किया और उस क्रिटिक को ट्विटर पे शेयर किया। तो उनका जो ट्विटर में जो थ्रेड बोलते हैं, जो कई सारे ट्वीट्स का एक कनेक्टिंग सीक्वेंस होता है, वो एक तरह से वायरल हो गया, जो एक तरह से ट्विटर इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में एक जार्गन है कि वायरल हो गया, मतलब बहुत लोगों ने उसको पढ़ा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं मणिमुग्धा शर्मा। तो मणिमुग्धा, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपके साथ दोबारा बात करने का अवसर मिल रहा है उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। तो धन्यवाद सबसे पहले। तो आपका बहुत शुक्रिया नीलांचन दा, एक बार फिर से मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। भी आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है और इसके बारे में फीलिंग इज म्यूचुअल। बिल्कुल, फीलिंग इज म्यूचुअल। तो हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर दूं, जो उनकी जो बुकलेट है, जो उसका जो पहला पेज है, उसमें जो G20 का जो लोगो था, एक लोटस, जिसका इस्तेमाल करना बहुत पॉलिटिकली प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन उसको लेके किया बाहर भारत सरकार ने लोटस इस्तेमाल किया, जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी है। तो उस कवर पे भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बीच में लिखा हुआ है, और चारों तरफ फ्रीडम, इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी, सर्विस, एक्सेप्टेबिलिटी, हार्मनी। अब इनमें से कई ऐसे चीजें हैं जो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में हो गए हैं 2014 के बाद से। तो सबसे पहले तो मणिमुग्ध, आपका जो ओपनिंग पॉइंट था, आपने लिखा है कि द डॉक्यूमेंट ओपन्स विद पीएम मोदी स्टेटमेंट इन विच ही सेज दैट द कंट्री हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नेम्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपने इस पर सवाल पूछा अपने पोस्ट पे कि सो हु नेम्ड इट द करंट रेजिम, नोबडी एल्स कॉल्स इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इफ देयर इज वन देन इट इज एंशिएंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि आप ये बेसिकली मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो क्लेम है, मोदी जी ये पहली बार नहीं कर रहे, भारत सरकार पहली बार नहीं कर रही, सब तरह से स्टीरियोफोनिक की तरह पे, मतलब क्वाड्रोफोनिक आवाजें आ जा रही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में जरा बताइए कि क्यों नहीं है। हाँ देखिए, ये तो जैसे जो हिंदू राइट विंग है, सिर्फ इन्हीं की तरफ से ये आर्गुमेंट आता रहता है बार बार कि भाई इंडिया ने, हमने सब कुछ इजाद कर लिया था पहले ही। अब ये जैसे मैंने एल्डस हक्सली का एक, उनकी किताब का एक पन्ना मैंने शेयर किया था, उसमें जो उन्होंने ये 1920s में जब हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने यही सारी चीज़ें उन्होंने भी महसूस की थी। उस टाइम पे उन्होंने लिखा था कि जो हिंदूज हैं वो एहसास कम तरीके की गिरफ्त में आ चुके हैं कुछ इस तरह से, बिकॉज ये सब्जेक्ट पीपल्स, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए जो है अब कुछ भी आता है, कुछ भी वेस्ट में कोई नई इजाद होती है, कोई नई दरियाफ्त होती है, तो फिर ये लोग जो है बोलते हैं कि भाई देखो हमने तो पहले ही इसको ढूंढ लिया था, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है। तो आपके वो वेदों में आप ढूंढेंगे, आपके महाभारत रामायण में देखेंगे आप। तो ये एक एक जो है एक इनसिक्योरिटी कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसको कवर करने के लिए हम ये बताएंगे कि हमारे पास सब कुछ था पहले, हमने सब कुछ पहले ही कर दिया था। तो इसी पे जो है अलग अलग टाइम पर स्कॉलर्स ने मजाक भी उड़ाया है। प्रोफेसर कोचर जो जाने माने एस्ट्रोनॉमर है, जिन्होंने वैदिक पीरियड पे किताब भी लिखी है, राजेश कोचर, तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले, काफी साल पहले, उन्होंने कहा था कि भाई कोई ऐसी बात तो बताइए जो अभी वेदों में लिखा है या फिर हमारे पुराणों में लिखा है लेकिन वेस्ट को अभी मालूम नहीं पड़ा है इस बारे में, तब तो हम बात माने या दुनिया का फायदा हो।
कि पहले सब कुछ उन्होंने निकाल लिया फिर आप बोलेंगे हमने पहले ही कर लिया था। तो एक एक जो है एक एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है ये एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, और इस चीज को जो है दूर करने के लिए, बिकॉज देखिए अब जैसे आपको भी मालूम है आपने भी हिंदू राइट पे काम किया है, तो ये हर चीज को मजहब के दायरे से देखते हैं, मजहब का ही नजरिया होता है हर चीज को देखने का। तो आप अगर दिल्ली की बात करें तो आप जो कैपिटल्स आप देखेंगे तो वहां पे वो देखेंगे अच्छा, अब जैसे नाम पे ही भारत इंडिया, इस पे कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। एक तो खैर वजह है कि चलिए ऑपोजिशन अलायंस ने इंडिया नाम ले लिया, एक वो है, लेकिन इससे पहले भी इंडिया नाम से इनको सख्त एतराज था, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया जो है वो क्रिश्चियन है, उनके मुताबिक अंग्रेजों ने दिया। हिंदुस्तान जो है पहले हिंदुस्तान कर रहे थे, उसके बाद पता चला कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, अब उसको भी छोड़ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान तो मुसलमानों ने दिया, जबकि प्री इस्लामिक ईरानियंस ने दिया था, वो ये बात नहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो भारत एक हिंदू नाम है, तो अब जो है भारत को जो है हर जगह ये तरजीह दे रहे हैं, तो ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का नतीजा अगर नहीं है तो फिर क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर भी हर जगह जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में जाके उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप बताइए लेकिन किसी ने उनको काउंटर नहीं किया वहां पर। लेकिन चलिए 200 साल घटा दिए, जब आपने अपनी किताब लिखी थी तब 1200 साल की गुलामी बोल रहे थे, 200 साल कब हो गए, याद है वो बात की 1200 साल की गुलामी? जी अभी भी पॉलिटिकल रेटोरिक भाषण देने जाएंगे तो 1200 साल की गुलामी जरूर बोलेंगे, बिल्कुल वहां पे 1000 इयर्स ऑफ, क्योंकि किस भाषा में कौन सी चीज ज्यादा कान को अच्छी लगती है, 1200 साल थोड़ा ज्यादा लगता है, 1000 इयर्स यू नो इट हैज द सेम रेजोनेंस, वो एक्चुअली उस पे ध्यान देते हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो उनको फोनेटिक्स का के रेजोनेंस के बारे में अच्छी जानकारी है। मुझे एक, आप भारत और हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं बताना, थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका और दर्शकों का। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद ऑर्गेनाइजर में एक बहुत सीनियर पत्रकार होते थे, अभी भी कुछ समय पहले तक वो ठीक थे, हालांकि लिखना बंद कर दिया है, जय दुबाशी जी, ये इंडिया टुडे के बिजनेस एडिटर भी होते थे और ऑर्गेनाइजर में कॉलम लिखते थे। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद एक लगभग लंबा कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए ये सक्सेस तो मिल गई है, अब इसके बाद हमको देश का नाम बदलना चाहिए बिकॉज इंडिया इज फॉरेन। तो आप लोग सब एग्री करेंगे इंडिया नीड्स टू बी चेंज, सो व्हाट आर द ऑप्शंस? तो पहला आप बोलेंगे कि भारत होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं होना चाहिए, इसी स्टाइल में लिखा था, वेरी कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा था, बट आई विल से कि नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारे पासपोर्ट में हमारी नेशनैलिटी होगी भारतीय एंड इट इज गोइंग टू लुक वेरी मच लाइक अ सरनेम, सो देन यू विल से दैट लेट इट बी हिंदुस्तान। I'll say no, not Hindustan, because there are too many sthans around us. You know, it's not good. You know? So let us call our country Hindu Desh, because if we call ourselves Hindu Desh, then our nationality will be Hindu. And then whether the Miyaji or whether the Muslim likes it or not, when they go for Hajj, the passport will say that a Hindu went for Hajj. That was the sum total of, and I quoted this column in my first book in 94, and thereafter it's been, you know, I've written about it quite, because this actually shows their obsession with the Indianness or with the Hinduness of the country, of the culture, of the people. ये समस्या है सबसे बड़ी बात। Anyway, sorry, I took your time. बात आपको करनी है। तो दूसरा बात जो आपने बोला जो बहुत डिस्टर्बिंग है, आपने एक पेज को लेके आपने पत्र दिखाया और वहां पे पोट किया कि let us look at the claims in a bit more detail. Do note the order of the words in the line in Bharat, that is India. Now you ulta kiya constitution mein. Article 1 says India, that is Bharat. To ye jo hai na, hum aa rahe hain ki abhi ye hal mein shuru hua, pehle sabse pehle rashtrapati Murmu ka invite, uske baad pradhanmantri, jab ASEAN India summit mein prime minister of Bharat gaye. I'm saying this very specifically because ये थोड़ा भी incongruous है, summit हो रहा है ASEAN India का, लेकिन जा रहे prime minister of Bharat.
तो इसके पीछे मतलब ठीक है ये तो किया है, लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या है, आपको क्या लगता है, और इससे क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, स्पेशली इन व्हाट वी ऑल कंसीडर टू बी द हिंदुत्व बेल्ट व्हिच इज एसेंशियली नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। नहीं, अब जैसे देखिए इसमें जो बड़ी बहुत ही मतलब तरीके से जो है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को बदल दिया गया है। अब जब हमने इस चीज को पॉइंट आउट किया तो फिर जो हिंदू राइट विंग के लोग थे उन्होंने बोला कि देखिए इसके जो है हिंदी जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें तो ये ऑर्डर दिया गया है, जबकि ये आर्गुमेंट फिट नहीं बैठता है बिकॉज आप अंग्रेजी में ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये हिंदी वाले वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन के ये दूसरे तरीके से लिखा गया, वो आर्गुमेंट फिट नहीं होता, वो एक बड़ा डिसऑनेस्ट आर्गुमेंट है। अब जैसे मैंने पहले कहा उनको इस बात से एतराज है और ये काफी टाइम से है, मुझे याद आ रहा है 90s के दौर में भी ये जो है देश का नाम बदल देना चाहिए ऐसी बात ये लोग कर रहे थे। तो अब क्योंकि ये अब सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं, नहीं हर चीज में एक सिविलाइजेशनल स्टेट है भारत, तो इसपे अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अमेंड करना है तो फिर आपके वहां पे फिर कंडीशंस आ जाते हैं कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा अपर हाउस में भी, और ये तो आर्टिकल 1 के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो फिर इतना आसान तो नहीं है। तो अब वहां पे जा ही नहीं रही है बात, तो आपने अनऑफिशियली ही इंडिया के सारे ऑफिशियल डेजिग्नेशंस पर आपने भारत लिखना शुरू कर दिया है। अब जब G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे उस टाइम पे भी तो भारत ही लिखा हुआ था, है ना, तो आप प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से जो डिनर इनवाइट्स गए उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत था, तो आप हर जगह पे, मैंने किसी ने फोटो एक साझा किया साउथ कोरिया में जो कोरियन वॉर मेमोरियल है वहां पे भी भारत लिख दिया गया है। तो अब देखिए कि इस तरह से जो है आप बिना एम्बेसी ऑफ भारत भी लिखेंगे, दुनिया भर के एम्बेसीज भारतीय हिंदुस्तानी एम्बेसीज के बाहर लिखा जो ब्लैक होता है जो नेम प्लेट होता है उसमें एम्बेसी ऑफ भारत लिखेंगे, अब पता नहीं कुछ भी कर सकता है, नहीं करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब क्या क्या करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो कह रहा था कि एक सेंस ऑफ आप कह सकते हैं कि एक डिससैटिस्फैक्शन है इंडिया लव्स के साथ, क्योंकि ऑपोजिशन ने उसको अप्रोप्रिएट कर लिया है, तो फिर पहले तो उसको INDIA उसके बाद घमंडिया है ना, तो ये सारी बातें कही गई हैं। तो एक तो एक इंडिया नाम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश तो हो रही है। अब जो हुब्बुल वतनी का दावा करते हैं वो अब सबसे बड़ा अनपेट्रियोटिक काम कर रहे हैं कि भाई आप इंडिया नाम को ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत सिंपल सी बात नहीं है। अब मैंने देखा कि ऑपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी बोला है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीज उनको गिफ्ट किए गए हैं उसमें प्रीएम्बल से जो है सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों लफ्ज गायब हैं। तो उसके पीछे सरकार का क्लैरिफिकेशन है कि वो संविधान का कॉपी है जो 1947 मतलब 1950 में जो अडॉप्ट हुई थी, तो ये ओरिजिनल है, ये अनअमेंडेड है, तो अमेंड होने के बाद अनअमेंडेड को पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत है, कोई वजह नहीं है, तो जो हिस्टोरिकल कॉपी दर्शाता है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जो हम पहले से जो इनके जो जो आइडियोलॉजिकल इनके जो जो कॉजेज हैं, जो पहले से कह रहे हैं कि आन पावर में आने से पहले ही, बहुत पहले ही इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सोशलिस्ट और सेकुलर लव्स जो है हटाने चाहिए। तो एक किस्म का जो है एक एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन ऑफ दैट आइडिया आप देख पा रहे हैं इसमें, और सेम चीज भारत और इंडिया के केस में भी आप देख पा रहे हैं। G20 बुकलेट में जो सारे फॉरेन डेलीगेट्स को पेश किया गया है उस बुकलेट में ऑर्डर ऑफ वर्ड्स चेंज करने का मतलब तो यही निकलता है, और उसके बाद जो आप देखिए नीचे जो उन्होंने जो लाइन लिखा था कि भारत इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री, उसमें इंडिया नहीं लिखा हुआ है, right. है ना, तो ये एक मैसेज है कि भाई एनोनिमस है, मतलब आप चाहे ये लिख सकते हैं या चाहे वो लिख सकते हैं, ये बात उन्होंने नहीं बोली है कभी। हाँ, वो चीज नहीं बोली, ना ही उन्होंने ये बोला कि उन्होंने 46-48 में ये चर्चे में रही ये बात, ये लिखा गया है, लेकिन वो डिबेट सेटल हो गया 49 में जब ये अमेंडमेंट एक प्रपोज किया गया था, जब अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया,
तो फिर एक अमेंडमेंट मोशन लाया गया, उस पर बात हुई, बहस हुई, उसके बाद 38-51 वोट पर ये मोशन डिफीट हो गई। उसके बाद जो है इसकी जरूरत पड़ी नहीं कभी इसको उछालने की। तो जो सेटल चीजें हैं उनको दोबारा उछालने में मकसद तो यही है कि अब जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, जो कवायद और जवाबित पहले तय हो गए थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, या फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया, तो उन सब चीजों को अब दोबारा हम डिबेट के दायरे में हम लेकर आ गए। यानी जो सेटल चीजें थी वो अब सेटल नहीं है। मैसेज तो यही है, लार्जर मैसेज है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, ये हिंदू राष्ट्र अचीव करने का एक जरिया है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये हो रहा है। नहीं तो फिर अचीव करने से पहले इनका ज्यादा जो पर्पस है वो पॉलिटिकल है कि 2024 में हिंदू कंसोलिडेशन किस तरह से करें, क्योंकि उनको लगता है कि जो अपोजिशन का जो साथ आ रहे हैं उससे मतलब इनको तकलीफ हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। ये देख रहे हैं इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बढ़ जाएगा काफी, क्योंकि काफी सीटों में वन कैंडिडेट होंगे बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, इसीलिए ये सब चीजों करके मतलब हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरे चीज पाता हूं जो आपने पॉइंट किया वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम सबके जुबान पे है, इनके जुबान पे है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इसके बारे में बताइए, इसको भी आपने मेंशन किया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये काफी टाइम से जो है इनके जो सो कॉल्ड जो दानिश्वर हैं वो काफी टाइम से इस बारे में बोलते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से पिछली बार जब एनडीए की सरकार आई थी, NDA 1, उसके टाइम पे भी जो है किताबों में भी ये लिख दिया गया था, उसके बाद वो दोबारा बदले गए। उस लेवल तक नहीं कर पाए जिस लेवल पर आज कर रहे हैं। तो अब मैंने देखा कि कुछ न्यूज़पेपर कॉलम्स में भी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा गया है, मतलब बड़े कैजुअली इस लफ्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब नॉमेनक्लेचर इनके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दुनिया भर के स्कॉलर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब सिंधु नदी सभ्यता, ये भी हिंदी में चलिए वो चलता था, अब सरस्वती को इंक्लूड करने की क्या वजह है? एक तो ये कि अब सरस्वती पे भी डिबेट है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मिथिकल रिवर है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं एक्चुअल नदी थी लेकिन अब गायब हो गई, और शायद जो वैदिक पीरियड शुरू हुआ या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के खात्मे के वक्त ही जो है ये धीरे धीरे जो है कम अज कम जो है अपर कोर्सेज जो थी उस नदी की उसमें वो नदी रही नहीं जी, लोअर कोर्सेज में शायद थी। तो अब ऋग्वेद में जो आपको मिलता है सरस्वती का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बाकी जो लिटरेचर है पुराणों में जो आप देखते हैं, महाभारत में भी आप देखते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो अलग है। जो स्कॉलर्स ये पढ़ते हैं उनके मुताबिक जो है धीरे धीरे वो शायद खत्म हो रही थी नदी। अब जो कुछ और स्कॉलर्स हैं जैसे इरफान साहब हैं, आर एस शर्मा प्रोफेसर, इनके मुताबिक जो है हेलमंड नदी जो अफगानिस्तान में है, जिसको शायद अवेस्टा में हरखवती कहा गया है, तो वो सरस्वती से सिमिलर है, तो फिर शायद वो हेलमंड नदी के बारे में जिक्र हो रहा था। ज्यादातर स्कॉलर्स आजकल मानते हैं कि शायद घग्गर हाकरा जो नदी है, जो कुछ हिस्सा पंजाब में है, राजस्थान होते हुए जो है फिर पाकिस्तान को चली जाती है, वहां पर हाकरा बन जाती है नदी, तो शायद वो ओरिजिनली शायद सरस्वती नदी थी, या फिर उसका एक जो है एक जो रिमाइंडर है वो शायद ये है सरस्वती नदी का। तो उस पर तो स्कॉलरली डिबेट है, कोई एक व्यू नहीं है, जो सेटल डिबेट नहीं है, ये इस पे बात हो रही है। तो अब सरस्वती पे अब इनको इस बात से शर्मिंदगी होती है, और यहाँ पे ये चीज क्योंकि पॉलिटिकल है कि आप देखिए इंदस नदी या जो बड़े जो इनके जो पहला शहर था जो मिला था हरप्पा, जिस नाम से जो है हरप्पन सिविलाइजेशन बना, मोहनजोदड़ो दूसरा बड़ा शहर, ये दोनों पाकिस्तान चले गए। उसके बाद एक जरूरत आन पड़ी कि भाई हिंदुस्तान में भी कुछ ढूंढा जाए, फिर बाद में पता चला एक्चुअली ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था, इंडिया में भी धोलावीरा मिला, लोथल मिला काफी टाइम तक, है ना। धोलावीरा तो गुजरात में मिला, मतलब उसके बाद हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कालीबंगन और बहुत सापुतारा, फिर बुर्दहोम, अब इस तरह के जो है वो आपको उसके रेमनेंट्स मिले, या फिर वो सिविलाइजेशन काफी एक्सटेंडेड था। अब सरस्वती को घुसाने का ये मकसद था कि भाई अब हम जो है हरियाणा में अब ढूंढ रहे हैं, एक हरियाणा गवर्नमेंट का तो एक ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरस्वती को। हाँ एग्जैक्टली,
क्योंकि जो अब घग्गड़ हाकड़ा जो थियोरी है उसका मुताबिक वो नदी भी तो पाकिस्तान चली गई, अब हेलमान नदी अफगानिस्तान में है और ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज के तौर पे देखे जाते हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इसमें अब हिंदुओं वाला क्या ढूंढे, तो हमने सरस्वती उसमें जाके जोड़ दिया कि चलिए कुछ तो रहा हमारे पास। तो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, कोई मतलब मुझे लॉजिक तो इसमें दिख नहीं रहा है, अदरवाइज कोई एकेडमिक स्कॉलरली लॉजिक तो इन्होंने दिया नहीं है। पहले आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी नदी सरस्वती नदी थी, क्या मिथिकल थी या एक्चुअल में थी, तो इसमें इतना डिबेट है, तो फिर आपने एक नाम क्यों चुन लिया? और जो एक्चुअल जो स्कॉलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, उसको आपने दरकिनार कर दिया, आप नए टर्मिनोलॉजी को लेके आ गए। तो इसका मतलब यही है कि एवरीथिंग इज बीइंग डन इन फॉर द सेक ऑफ आइडियोलॉजी, और इसको जो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि आप सारे बच्चे जो है पढ़ें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी आपने महाभारत के जिक्र किया था, तो आपने अपने जो ट्विटर थ्रेड जो बनाया उसमें आपने राम राज्य की भी बात की और महाभारत की भी बात की। उन्होंने कहा कि मतलब राम राज्य इज एन एपिटोम ऑफ यू नो आइडियल गवर्नमेंट एंड महाभारत इज एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये वो बुकलेट में है। फिर आपने कहा कि दिस इज लाफेबल टू से द लीस्ट, यू नो वेलफेयर ऑफ पीपल वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग इन एवरी किंगडम अक्रॉस द ग्लोब, वॉट इज डेमोक्रेटिक अबाउट इट। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मतलब एक कोशिश ये हो रही है कि जो मोनार्किकल ऑर्डर था उसको डेमोक्रेसी के तौर पे पेश किया गया। तो इसमें क्या फ्लॉ नजर आता है, जो मतलब एज अ पर्सन जो जिन्होंने इतिहास पे काफी काम किया है, आपको क्या फ्लॉ नजर आता है? नहीं, फ्लॉ तो है क्योंकि आप डेमोक्रेसी को तो या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो है उसका एक नया एक डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसे देखिए कि जो मोनार्किकल सिंबल्स हैं वो अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अब धीरे धीरे वो आ गए, कि आपने सेंगोल करके कहीं से आपने निकाला, उसकी आपने एक हिस्टोरिसिटी आपने एस्टैब्लिश की, उसके बाद फिर आपने स्पीकर के चेयर के पास जाके लगा दिया उसको नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और उसका जिस तरह से एक कॉन्सेक्रेशन हुआ कि आप सारे अधिनम्स को लेकर के आ गए, फिर एक बकायदा आपने पूरा एक रिलीजियस वहां पे सेरेमनी किया, जिस तरह से शायद चोला राजा वो जब उनका राज्य अभिषेक होता था उस टाइम पे शायद जो रिचुअल्स होते थे, हालांकि एकदम डायरेक्टली सेम रिचुअल्स तो नहीं है, वो उस टाइम पे भी क्या रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे किसी को एग्जैक्टली कोई यकीन के साथ कोई कह नहीं सकता कि ये सही होता होगा, लेकिन आपका एक इमेजिनेशन है कि इस तरह से शायद होता होगा। तो वो सारी चीजें जो है आप लेकर आ गए, आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो डाल दिया, है ना। एक जो आप जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट का ये एक लफ्ज है जिसका इस्तेमाल होता आया है नरेंद्र मोदी साहब के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे भी गौर करने लायक जो है जो नाम है, इस नाम जो हिस्सा है वो है सम्राट, एम्परर, है ना जी। तो आप और देखिए प्रजातंत्र इस लफ्ज का इस्तेमाल आप करते हैं, यानी प्रजा है और एक राजा होगा बाय एक्सटेंशन, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए कि ये सारे जो चीजें हैं ये आप लेकर आ गए हैं इकट्ठे, और आप एक ऐसा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माजी में जो थे, जो मौर्यन एम्पायर था, जो अशोका को भी आपने गिनवाया है, आपने बादशाह अकबर को भी एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर, मतलब उनका डेमोक्रेटिक सेंस तो बड़ा अनयूजुअल था, है ना। तो आपने जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे उनको डेमोक्रेटिक लोगों में आपने तब्दील कर दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो मतलब आप हिंदुस्तान के बाहर, आपने अपने ट्विटर ट्रेड में लिखा है कि इफ यू टेल द पीपल दैट एब्सोल्यूट मोनार्क्स ऑफ योर वर डेमोक्रेट्स, यू कुड रूल एज भगवा बादशाह एंड स्टिल कॉल इट डेमोक्रेसी। अच्छा व्यंग है, लेकिन आई थिंक यू नो इट जस्ट पॉइंट्स टू what you are trying to argue. जी जी बिल्कुल, अब भगवा बादशाह बिल्कुल है, because आप देखिए कि एक जो है एक जो sovereignty का जो concept है, एक power लोगों से आता है ना, लेकिन अब वो बदल गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोग पहले भी इस चीज को जो है उन्होंने नोटिस किया है, राहुल गांधी का आपको याद होगा जो पार्लियामेंट में बोले थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शहनशाह इज बैक। आई थिंक ये बहुत ही पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि ये मैंने भी अपनी किताब में मैंने कहा था कि एक सैफरन शहनशाह के तौर पे जो है राज हो रहा है,
भगवा बादशाह एक और मैंने टर्म चली निकाल लिया, लेकिन अब जैसे और ये जो राइट विंग की तरफ से ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका। एक मैं मुझे याद आ रहा है एक गाना निकला था कुछ टाइम पहले जो एक शायद बीजेपी अफिलिएटेड पेज ने उसको शेयर किया था, जिसमें मोदी साहब की नेकनामी हो रही थी, उसके उस गाने के जो है अल्फाज आपको उस पर गौर करना चाहिए। मेरे मोदी नरेश तुझसे खुश है सारा देश, देश ये चलाए कि मजा आ गया, जो मेरे रश के कमर जो एक गाना था उसके लाइंस पे गाना गाया गया है। लेकिन नरेश, नरेश एक राजा के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो आप सारे जो हिंदू जो किंगशिप के जो सिंबल्स थे आप उन सब चीजों को आप ढूंढ के लेके आ गए हैं और आप धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि पब्लिक को एक मैसेज दिया जाए कि देखिए हम तो पहले से ही डेमोक्रेटिक थे, डेमोक्रेसी यहाँ पर पनपना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो हमारे जितने भी बड़े एम्पायर्स थे, जितने भी बादशाह थे, राजा महाराजा थे, वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स थे। तो अगर एक बादशाह के तहत जो बिहेव कर रहा है वैसा अगर कोई लीडर आ गया तो ये बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये हमारा एंटायरली इंडियन एथोस है डेमोक्रेसी का, इसीलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट जो है दुनिया को दिया, इससे पहले दुनिया के पास डेमोक्रेसी क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जो एक डायरेक्ट एंसेस्ट्री जो है हम ढूंढ नहीं पाते बीच में, क्योंकि आप फिर क्लासिकल पीरियड में जाके देखते हैं कि अच्छा गणराज्य था जी, वहां पे अच्छा इसका मतलब ये था, कि आप वहां पे फिर रेट्रोफिट करने लगते हैं अपने जो मॉडर्न आइडियाज है डेमोक्रेसी के, वो आप पास में जाके वो लगा देते हैं। ये आप नहीं सोचते हैं कि उस जमाने में जो ये टर्म्स यूज होते थे क्या उसका मतलब सेम था। धर्म लफ्ज का जब इस्तेमाल होता है, आज मॉडर्न इंडिया में धर्म का मतलब सिर्फ मजहब होता है, रिलीजन होता है। उस जमाने में धर्म का मतलब ड्यूटी होता था, कोड ऑफ एथिक्स होता था, नहीं ये राष्ट्रधर्म की चर्चा होती है। बिल्कुल हाँ, और उस राजधर्म कॉन्सेप्ट से भी मुझे एतराज है, क्योंकि जब हम जैसे अब वाजपेयी ने मोदी साहब को बोला था कि आप राजधर्म का पालन करें या राजधर्म का इस्तेमाल, बहुत टाइम क्रिटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं मोदी साहब को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन राजधर्म लफ्ज का जब इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब एक राजा है ना, तो एक डेमोक्रेसी में एक राजा का आप तस्वीर कर रहे हैं राजधर्म जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस में वो वर्ड्स है ही नहीं जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कर सके। हमने चीजों को रेट्रोफिट कर दिया, फिर आप अच्छा गणराज्य रिपब्लिक था चलिए हमने इसको यहाँ लगा दिया, फिर क्योंकि हमने अब लगा दिया तो हम ढूंढेंगे अच्छा वैशाली गणराज्य था, वाह वाह क्या बात है, मतलब ये जरूर डेमोक्रेसी रहा होगा, है ना। तो गिल्ड्स हैं, मर्चेंट गिल्ड्स आप देख रहे हैं, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन कोई भी आपको पास में दिख जाता है तो फिर आपको लगने लगता है कि डेमोक्रेसी है। आप ये नहीं देखते हैं कि वो जितने भी महाजन सभा थे जो मर्चेंट गिल्ड्स थे वो एक बादशाह के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, है ना। तो हाँ, आप बातों से तो ये मतलब क्लियर है कि एक फॉल्स, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक फॉल्स हिस्टोरिसिटी इन्होंने क्रिएट की है 2014 से, उसके पहले भी 2014 से ज्यादा हो पाया है क्योंकि स्टेट मशीनरी भी इनके हाथ में है, पॉलिटिकल विंग भी बहुत पावरफुल है और रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तो एक फॉल्स हिस्टोरिकल नैरेटिव को स्प्रेड किया गया है। अभी हम लोग इस पीरियड में है जब अगले 7 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये फॉल्स हिस्ट्री का जो नैरेटिव इन्होंने चलाया है ये जनता के गले उतर जाएगी, आपको क्या लगता है? आप तो मतलब पत्रकार भी रहे और लोगों से बातचीत होती रही, मतलब क्या एसेंस है आप? देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि पब्लिक पर इस चीज का क्या असर हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ऐसे गाने अगर आ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, या फिर अगर लोग खुद ही हिंदू हृदय सम्राट का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ साहब के लिए जो है महाराज जी का इस्तेमाल होता है बिकॉज उनका एक रिलीजियस डेजिग्नेशन भी है, लेकिन फिर भी आप देखिए ऐसे जो टर्म्स का जब इस्तेमाल होता है तो आपको लगने लगता है कि लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हिंदुस्तानी लोग हैं उनमें एक सिटीजन और एक सब्जेक्ट के बीच का फर्क नहीं मालूम। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी कायम है क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं जी, जबकि इलेक्शन जो है एक पैमाना है लेकिन वो एकदम मतलब ओनली पैरामीटर नहीं है डेमोक्रेसी को देखने का। डेमोक्रेसी के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, एक आपकी उसकी बहुत से थियोरीज हैं,
लेकिन आपके कुछ नॉर्मेटिव है और कुछ डिस्क्रिप्टिव चीजें होती हैं कि आपको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे और उसका इलेक्शन उसका बस एक एक जरिया होता है, वो एक वो डिफाइनिंग चीज नहीं है कि बस यही होता है। बहुत अच्छी तरह से समझाया कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चुनाव करा दीजिए, ये भी तो देखने की जरूरत है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो जो इंस्टीट्यूशन जो चुनाव करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कितना ऑटोनॉमस है, वो कितना या की सरकार से घुल मिल गया है। पिछले सालों का एक्सपीरियंस ये कि हमने धीरे धीरे इंक्रीजिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हुए देखा है। अभी भारत सरकार ने एक बिल भी लेके आए जो पास कराना था, पहले तो इरादा था कि शायद स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ही पास हो जाएगा, लेकिन शायद राजनीतिक मूड को अपनी तरफ ना देख के उनको लगा कि इसको अभी फिलहाल छोड़ दिया जाए। तो मणिमुग्धा आपसे फिर से बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही सक्सेंटली आपने जो G20 का बुकलेट है और जो फॉल्स हिस्टोरिकल नैरेटिव है उसको आपने हमको समझाया। आई एम श्योर दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस प्रोग्राम को देखना, जिन्होंने G20 का बुकलेट नहीं देखा होगा वो भी जाके गूगल करेंगे और जाके पढ़ेंगे और वो समझेंगे कि किस तरह की गलत नैरेटिव फैलाई जा रही है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया निलंजन दा। जाते जाते एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, जो बुकलेट पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जिसपे बहुत सा एविडेंस अवेलेबल है, लोग उन लिटरेचर्स को पढ़ें। इतना कुछ अवेलेबल है, कितना कुछ काम हो चुका है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने काम किया है, हिस्टोरियंस ने काम किया है, कि हिंदुस्तान की तारीख में, एंशिएंट इंडिया में, ये क्लासिकल पीरियड हो, पोस्ट क्लासिकल हो, अर्ली मिडीवल, लेट मिडीवल, अर्ली मॉडर्न पीरियड हो, कहीं पर भी आपको डेमोक्रेसी के कोई आसार नहीं दिखते हैं, कोई एविडेंस नहीं दिखता है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, और एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में भी फर्क होता है। और इलेक्शंस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस तक अगर आप महदूद रखेंगे डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को, तो फिर आप खुद को ही बेवकूफ बनाएंगे और एक अच्छे शहरी होने से आप महरूम रह जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया निलंजन, एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू, आपने बहुत ही ब्रिलियंटली सम अप किया। थैंक यू सो मच।